आदर आभार अभिनंदन, मैं अनुराग आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्लियर व्यू में। दोस्तों, भगवान की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से सन 2014 में मुझे इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ केबीसी का मंच शेयर करने का मौका मिला। और मैं जानता हूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये मेरे चैनल के साथ नहीं जाता क्योंकि मेरे चैनल का नाम क्लियर व्यू है और यहां पे ऐसा कोई क्लियर व्यू मैं नहीं दे रहा। लेकिन जब मैंने सन 2014 में केबीसी के मंच से 12.5 लाख रुपए की राशि जीती थी, उसके बाद मैं जहां भी जाता हूं तो मेरे ज़्यादातर मित्रों ने या फिर मेरे ज़्यादातर रिश्तेदारों ने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि केबीसी में सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको आज पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन किस किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब केबीसी का जब नया सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, तब स्टार्ट होने से करीब 15 दिन या 1 महीने पहले ऑडिशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सोनी चैनल पर देख सकते हैं। उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। आप SMS कर सकते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से भी मैसेजेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर वो आपका आंसर ठीक है तो आपके लिए एक कॉल आता है। केबीसी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपसे कॉल करते हैं और कॉल पर आपके बहुत ही जनरल सा एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम, आपकी एज, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो कॉल होती है वो IVR पर ट्रांसफर हो जाती है और एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस से आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल जो पूछे जाते हैं उनमें जो शुरू के 2 सवाल होते हैं उनके तो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। और जो 3रा सवाल होता है उसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया होता, उसमें आपको जो आंसर है वो गेस करना होता है। या आपका आपको पता है तो आप उसका एग्जैक्ट आंसर भी दे सकते हैं। उसका आंसर नंबर्स में होता है। नंबर्स मतलब जैसे हमारी कंट्री का बता दो 1947, तो ये 1947 एक नंबर हुआ। या जैसे नील नदी की लंबाई कितनी है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे से जो सवाल पूछा गया था पहला, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, पहला सवाल था मेरा कि इनमें से कौन से गायक की अभी जल्दी में ही मृत्यु हुई है। 4 ऑप्शन दिए गए थे मुझे, उसमें एक ऑप्शन जगजीत सिंह का भी था जो एक गजल गायक हैं, तो मुझे वो पता था। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि नाजी पार्टी के तानाशाह कौन है, फिर से 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये भी आंसर मुझे पता था, हिटलर हम सब जानते हैं। तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया था वो था मदर इंडिया मूवी कब रिलीज हुई। आप लक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हैं कि इसका आंसर भी मुझे पता था। और उसका रीज़न ये था कि ये मूवी मेरे पापा की फेवरेट मूवी है और हम लोगों ने 2-3 बार इस मूवी को देखा था। तो ऐसे ही इस मूवी के बारे में मुझे और जानने की इच्छा हुई, तो मैं ऐसे ही गूगल पे एकदम सर्च कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि ये मूवी 1957 में रिलीज़ हुई है। और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मेरा आंसर एग्जैक्टली ठीक हो गया। अगर आप लोग का आंसर एग्जैक्टली ठीक नहीं होता है तो जो वेरी क्लोज होता है, सपोज जैसे मेरा इस सवाल का जो आंसर था वो 1957 था, अगर मैं लगाता 1958, कोई और लगाता 1955, तो मैं ज़्यादा क्लोज होता ठीक आंसर के, तो मेरा सिलेक्शन होता। मतलब इसमें एग्जैक्ट आंसर सही होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ क्लोज भी हो, जिसका सबसे ज़्यादा क्लोज होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तीनों सवालों का आंसर आपका ठीक होना ज़रूरी है। मैं पिछले 3-4 सालों से ट्राई कर रहा था और जब भी मुझसे तीसरा सवाल पूछा जाता था तो मैं उसका आंसर मुझे नहीं आता था तो मैं गैस कर लेता था और शायद मैं इतना क्लोज नहीं पहुंच पाता होगा जितना और लोग पहुंच जाते थे, वैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाँ, जब इस सवाल को पूछा गया और मेरा एग्जैक्ट आंसर ठीक हो गया, फिर मुझे ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आया। ग्राउंड ऑडिशन के लिए जब आपके पास कॉल आता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कब आना है, कहाँ आना है आपको। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा शो, तो हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो जोड़ी स्पेशल के लिए हुआ था। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अपने किसी भी एक ब्लड रिलेटिव को लेकर जा सकता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मैं अपने छोटे भाई को लेकर गया था। फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए मेरे भाई ने मुझसे कहा कि इसे मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन भी आपके पास होता है, सपोज अगर आपका सिलेक्शन जोड़ी स्पेशल के लिए होता जैसा मेरा हुआ था, तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि फास्टर फिंगर फर्स्ट मैं खेलूँ या मेरा छोटा भाई। तो मैंने खुद ये ऑप्शन उसको दिया था कि तुम ये खेल सकते हो। उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो मुझसे ज़िद करने लगा कि मुझे खेलना है, दैट इज़ वाई। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपका सिलेक्शन जोड़ी स्पेशल के लिए होता है तो आप में से जो भी कंप्यूटर में अच्छा है वो जाके ये फास्टर फिंगर फर्स्ट खेल सकता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में अच्छे नहीं हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ा। क्योंकि जब शूटिंग होती है तो शूटिंग से पहले हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है कि फास्टर फिंगर फर्स्ट कैसे खेलना है। तो काफ़ी ऐसे लोग जो कंप्यूटर से बिल्कुल भी
अनअवेयर हैं, जानते नहीं उनके बारे में क्या है, चलाते हैं कैसे नहीं, उनको भी अच्छी से ट्रेनिंग दी जाती है। खैर, तो जब लखनऊ ऑडिशन में हम लोग पहुंचे तो हमसे वहां पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, जिसमें से मुझे अभी एक दो ही याद हैं, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़्यादा स्ट्रांग जीके की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे मुझसे सवाल पूछा गया था कि उस समय केरल के राज्यपाल का नाम पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक आंसर चूज करना था, हमें पता था वो। हमसे पूछा गया था कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है 2011 में, उसमें कौन सी टीम नहीं खेली थी, तो उसमें केन्या का ऑप्शन था, तो वो हमें पता था। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक बहुत ही बड़ा फॉर्म भरना होता है जिसमें तकरीबन 50 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका नाम, एज, आप क्या काम करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी हॉबीज, आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है, क्यों पसंद है आपको, कौन सा फेवरेट एक्टर, कौन से फेवरेट एक्ट्रेसेस, कौन सा प्लेयर, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। उसके बाद एक वीडियो ऑडिशन राउंड होता है। वीडियो ऑडिशन राउंड में जो KBC की टीम होती है, वो उसके जो 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपका ऑडिशन करते हैं। ऑडिशन में आपसे नॉर्मल टॉक की जाती है, बस हॉबीज, लाइक डिसलाइक के बारे में पूछा जाता है आपसे। और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो ग्राउंड ऑडिशन से आ जाने के बाद फिर फाइनल खेलने के लिए आपको मुंबई से के लिए कॉल आती है। अब बात करते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, KBC की टीम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होती है, आपको कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, KBC में जब आपका सिलेक्शन होता है, आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता, बहुत ही फेयर खेल है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती किसी भी तरह की। अगर कोई भी आपसे 1 रुपया भी मांगता है कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। हमसे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया था। हमारा बरेली से दिल्ली तक का ट्रेन का, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट का, वापस में लौटने का सारा खर्चा KBC सोनी चैनल ने उठाया था। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ का खर्चा, रहने का, खाने का, सब कुछ, एवरीथिंग। थर्ड, जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म ही आपका काफ़ी हद तक 70% काम करता है आपके सिलेक्शन में। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर। ज़्यादा लोगों ने लिखा, किसी ने विराट लिखा, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी लिखा, और किसी ने विश्वनाथ आनंद भी लिखा, किसी ने कुछ और लिखा, और उसके बाद आगे बढ़ गए। लेकिन यहीं से उनका माइनस पॉइंट शुरू हो जाता है। आप लिखें सचिन तेंदुलकर या जो भी आपका प्लेयर फेवरेट हो, उसके बाद कॉमा लगा के एक ब्रैकेट में आप रीज़न भी लिख दें कि रीज़न क्या है। मतलब कहने का, फॉर्म जितना डिटेल में आप भरोगे, सिलेक्शन के चांस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बस आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी एक व्यूअर टिप्स लेके अगले साल या इस सीज़न में KBC खेल पाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे जो भी नए मेहमान हैं, जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का बटन है उसको टर्न कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और उन लोगों को वीडियो शेयर कर दें जो KBC की में पार्ट लेने के लिए प्रैक्टिस कर तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, पर वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। आई थिंक कि ये जो वीडियो है उससे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप में से जिन लोगों को भी मेरा शो देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आई नो कैमरा काफ़ी हिल रहा था, असुविधा के लिए खेद है। और जा कहाँ रहे हैं आप लोग, ब्लूपर्स बाकी है मेरे दोस्त। आदर आभार अभिनंदन, मैं अनुराग आप सबको स्वागत करता हूँ अपने क्लियर व्यू चैनल में। आदर आभार अभिनंदन, मैं अनुराग आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्लियर व्यू में। दोस्तों, भगवान की आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से होता है, भगवान ही तो कृपा होती है।